बिहार में उपलब्धियों की चर्चा नहीं, केवल चेहरों के भरोसे पार्टियां। क्या जनता ले चुकी है निर्णय? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। बिहार में सत्ता और विपक्षी पार्टियों के अधिकांश उम्मीदवार अपनी उपलब्धियों के बजाय चेहरों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये प्रत्याशी केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की ही आगे रख रहे हैं, जबकि जनता के सवाल इन प्रत्याशियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकर है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में मुद्दे बनेंगे निर्णायक, चेहरे ही तय करेंगे नतीजे। ये आश्चर्य का विषय है कि राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ रहे पक्ष और विपक्ष के अधिसंख्यक उम्मीदवारों के पास अपनी किसी उपलब्धि के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं है। राजग के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उधर महागठबंधन के उम्मीदवार नीतीश की अगुवाई वाली राज्य सरकार के उस 17 महीने की उपलब्धियों के नाम पर मांग रहे हैं, जिसमें राजद और कांग्रेस की भागीदारी थी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्हीं 17 महीनों में करीब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। इनमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी थे। एनडीए ने बदले 12 चेहरे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग के 39 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। इसमें से 12 सांसदों को राजग ने इस बार बेटिकट कर दिया। भाजपा, जदयू और लोजपा के 4-4 सांसद बेटिकट हुए। इनमें से कुछ दूसरे दलों की शरण में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दल में रहकर नेतृत्व की कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें राज्यसभा, राजभवन, विधान परिषद या मनोनयन के किसी अन्य पद की आकांक्षा है। इनमें रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नफा नुकसान जोड़ फिर मोदी के शरण में आ गए हैं। राजग के 39 में से 27 पुराने सांसद मैदान में हैं। 1-2 को छोड़ शेष सांसदों को कामकाज का हिसाब देना पड़ रहा है। योजनाओं के सहारे माननीय कई क्षेत्रों में तो उन्हें क्षेत्र भ्रमण में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनसे पूछा जाता है कि 5 साल पहले के वादों का क्या हुआ। कोरोना महामारी थी नगर, इन दिनों ये क्षेत्र से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों का बचाव भी कर रही है। सांसदों को ये कहने पर थोड़ी राहत मिल रही है कि कोरोना के कारण उनकी सेवा में थोड़ी त्रुटि रह गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।